सत श्री अकाल सारिआं नूं, तुहाडा मेरे चैनल ते एक बार फिर तो स्वागत है। ते अज आपां बनावांगे कॉलर, जिहड़ी कल कुर्ता पट्टी लगाई सी, अज आपां उसे सूट ते कॉलर लगावांगे। जे तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। सब तो पहला आपां जिहड़ी हैगी आ शोल्डर जिहड़े हैगे अपने आह कंधियां दी सिलाई मिला लांगे ते इहनां नूं दोनों साइड ते आपां स्टिच कर लैणी है सिलाई। तो हुण आपां एक बार जिन्ना कॉलर लगाना वा वह आपां नैक तो लैके कुर्ता पट्टी तक नाप लेना वा, जिथे तक अपना कुर्ता पट्टी बनी हुई है। ये अपना जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं दिखा दिंदी हाँ, 10 इंच तक आ रहा वा। तो हुण आपां पेस्टिंग लिती है, पेस्टिंग ते आपां 3.25 तक निशान लगाना वा एक। तो उस तो बाद जिहड़ा 10 इंच कॉलर दे लिए आपां लगावांगे 7.9 इंच ते मार्क। तो इतों आप सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लाँगे। उस तो बाद आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जो पेस्टिंग थोड़ी जी टेढ़ी मेढ़ी आ तो अपनी जी लाइन के नाल सीधी आ जाए। तो हुण जिथों आप 3.5 इंच मतलब 3.25 ते निशान लगाया सी, उतों आप गुलाई देनी शुरू कर देंगे। तो गुलाई उपर तक ले जानी है। तो हुण तुसी नाप के मेजरमेंट टेप के नाल जिवें आपां नूं 10 इंच चाहिए सीगा गला, तो पहला आपां 10 इंच ते निशान लगा लाँगे। फिर थोड़ा जहा मार्जन लेना वा आपां, तो आपां 10.5 तक मार्क कर लिया वा, इतों आपां कटिंग कर लाँगे। तो हुण 1.25 इंच चौड़ा आपां जिहड़ा हैगा वा अपना कॉलर आ वह रखना वा। तो आपां जिहड़ा हैगा सारा जिहड़ा कॉलर आ 1.25 इंच ते आपां निशान लगा के कटिंग कर लाँगे इस तरह। तो हुण साडा गला जिहड़ा हैगा रेडी है। पेस्ट कर लिया सीगा कपड़े ते, उहदा साइड वाला हिस्सा जिहड़ा हैगा आपां सिलाई च फोल्ड कर दांगे इस तरह। आपां सारे जिहड़े हैगे आ साइड वाले हिस्से चो फोल्ड कर देना वा। तो हुण एक होर कपड़ा लिता, इहनूं इसे तरह उल्टा रख देना कपड़े नूं, ते उहदे अंदर वाली साइड ते पेस्टिंग दे उपर नी सिलाई लगानी हैगी, पेस्टिंग दे बिल्कुल नाल नाल सिलाई लगानी आ। तुसीं देख सकते हो मैं पेस्टिंग दे बिल्कुल नाल नाल सिलाई लगा रही हाँ। तो उस तो बाद एक एक पैर का मार्जिन रख के आप जिहड़ा हैगा एक्सट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो हुण इहदे जिहड़ा सेंटर वाला हिस्सा वा आप इत्थे छोटे छोटे कट लगावांगे, इस तरह कट लगा देने हैं ताकि जिहड़ा फोल्ड आसानी दे नाल हो जाए। तो हुण उपर वाले हिस्से च आप 1/2 इंच का मार्जिन रख के बाकी का कपड़ा कट कर देना वा। तो मैं कॉर्नर तो गुलाई दे दी सी, तुसीं कॉर्नर तो जरूर गुलाई दे दियो। तो हुण इहनूं आपां फोल्ड करके सीधा कर लाँगे, तो इहदा हाफ करके उत्थे हाफ वाली जगह पर छोटा जिहा कट लगा लाँगे। तो हुण आपां सूट लैणा वा, सूट का बैक गला उत्थे जिहड़ी क्रीज़ बनी हुई है वह 1/2 इंच ते चाहे तुसीं कट लगा लो चाहे क्रीज़ बना लो। जिथों आपां कॉलर का कट लगाया सी 1/2 इंच ते रख के, सब तो पहला आपां उत्थे एक सिलाई लगावांगे। तो आपां थोड़ी जी सिलाई लगानी है पहला, उस तो बाद जिहड़ा हैगा आपां दोहां साइड तो अपना कॉलर आ जिहड़ा मिण लैणा कि अपना जिहड़ा कॉलर आ पूरा आ रहा वा, क्योंकि अगर जे वधदा होया कॉलर अपना उस टाइम अपना हल हो सकता वा, वैसे एवें दिक्कत आऊगी नहीं। तुसीं देख सकते हो कि पूरा पूरा जिहड़ा हैगा वा कॉलर आ रहा सीगा। तो हुण आपां सिलाई पूरी कर लाँगे अपनी,
तो मैं बहुत ही बारीकी दे नाल कॉलर लगाना दस्या वा। जे तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो नू लाइक शेयर ते कमेंट जरूर कर दियो ते प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो ते नवी वीडियो देखण दे लिए बैल आइकन दा बटन जरूर प्रेस कर लियो। ते हुण इस तरह आपां दोनों साइडां तों जिहड़े हैगा कॉलर दी स्टिचिंग कर लेनी आ। तो हम देख सकते हैं कि आप फिनिशिंग जी अपनी बहुत वधिया आई है। एक साइड की हले तक सिलाई कंप्लीट की है तो हम दूसरी साइड सिलाई में लगा रही हूँ। सब तो पहले मैं कॉलर नाप लिया सीगा दूसरी साइड तो भी, तो हम जो कॉलर है उन्हें सीधे वाले पासे फोल्ड करन तो बाद जिन्ना जिन्ना साढ़े मार्जन ते सिलाई लगी सी उस मार्जन के उपर ही आपू स्टिच कर देना वा। ये जो कॉलर है बैठा हुआ कॉलर सीगा ते इस तरह जिहड़ा हैगा आपां पूरी सिलाई कंप्लीट कर लांगे। चाहे तुसी कॉलर दी एक उपर वाली साइड ते भी सिलाई लगा सकते हो। तो किवें दी लगी वीडियो जरूर दस्सियो ते चैनल नूं प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लो।